सेमिट्री में सैंतीस लाख दो हजार अंगद कुमार यादव बोले अरविंद कुमार यादव 37,03,000 बोले अंगद बाबू आप बताइए 37,04,000 अंगद कुमार यादव बोले 37,04,000 अरविंद बाबू 37,05,000 अरविंद कुमार अरविंद यादव बोले 37,05,000 अरविंद बाबू आप वहां बैठ जाएंगे तो 37,07,000 अरविंद यादव बोले 37,08,000 अंगद कुमार यादव बोले 37,08,000 अंगद कुमार यादव बोले 37,08,000 उत्तम डाक वक्ता अंगद कुमार यादव का हुआ किस चीज के लिए बस पढ़ाओ के लिए 1 अप्रैल 2024 से 21 मार्च 2025 तक जमानत की राशि है 1200 रुपया इसमें डाक भत्ता भाग लिए हैं विकास कुमार मंडल और दूसरा है रंजीत कुमार सार्वजनिक शौचालय के लिए 3-0 वहां पे बना है सर नेका 3-0 माइक जी हां शुरू किया जाए विकास कुमार मंडल बताइए खड़ा होकर बोलिए रंजीत कुमार रंजीत कुमार द्वारा बोला गया है 14,000 रुपया 15 विकास कुमार मंडल के द्वारा बोला गया है 15,000 रुपया 16,000 रंजीत कुमार के द्वारा बोला गया है 16,000 रुपया 17,000 विकास कुमार मंडल के द्वारा बोला गया है 17,000 रुपया के द्वारा बोला गया है 23,000 रुपया विकास मंडल 24,000 विकास कुमार मंडल के द्वारा बोला गया है 24,000 रुपया 24,001 24,002 24,003 सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले हैं विकास कुमार मंडल सार्वजनिक शौचालय 1 अप्रैल 2024 से 21 मार्च 2025 तक बंदोबस्ती अवधि है 1 अप्रैल 2024 से 21 मार्च 2025 तक सुरक्षित जमा राशि है 50,750 रुपया जमानत की राशि है 5,075 रुपया इसमें डाक वक्ता भाग लिए हैं मोहम्मद तस्लीम दूसरा है विनायक कुमार सिंह तीसरा है विकास कुमार मंडल डाक की बोली स्टार्ट शुरू किया जाए मोहम्मद तस्लीम मोहम्मद तस्लीम बोले 52,000 तो मोहम्मद तस्लीम के द्वारा बोला गया 52,000 विनायक कुमार सिंह 53,000 विनायक कुमार सिंह के द्वारा बोला गया है 53,000 विकास कुमार मंडल 54,000 विकास कुमार मंडल के द्वारा बोला गया है 54,000 रुपया मोहम्मद तस्लीम मोहम्मद तस्लीम के द्वारा बोला गया है 55,000 रुपया विनायक कुमार सिंह 56,000
विनायक कुमार सिंह के द्वारा बोला गया है 56,000 रुपया। विकास कुमार मंडल 57,000। विकास कुमार मंडल के द्वारा बोला गया है 57,000 रुपया। मोहम्मद तस्लीम 58,000। मोहम्मद तस्लीम के द्वारा बोला गया है 58,000 रुपया। विनायक कुमार सिंह 59,000। विनायक मोहम्मद तस्लीम के द्वारा बोला गया है 59,000 रुपया। विनायक कुमार सिंह 70,000। विकास कुमार मंडल 71,000। कुमार सिंह 73,001, 73,002, 73,003। ये विज्ञापन होल्डिंग विनायक कुमार सिंह को गया। में से 3 का बंदोबस्ती का आज हुआ और बाद में किया गया। नगर परिषद नवगछा के द्वारा सैरात बंदोबस्ती था, 6 आइटम इसका, 6 सैरात का बंदोबस्ती के लिए आज बोली लगना था। एक है बस पड़ा बंदोबस्ती शौचालय सहित, दूसरा है मांसहाट, तीसरा है सार्वजनिक शौचालय वार्ड नंबर 22-23, चौथा है सार्वजनिक शौचालय 33 माइल नौगछिया, और चौथा है विज्ञापन होर्डिंग। विज्ञापन होर्डिंग पांचवा है, छठा है दुर्गा मंदिर चौक बाल भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल के समीप नगर परिषद कार्यालय के समीप स्थित वाटर एटीएम। मतलब 2 जगह शौचालय का है, एक विज्ञापन है, एक मांसहाट है, एक जगह ये वाटर एटीएम है और बस स्टैंड है। छः बंदोबस्ती के लिए दिन जो है 4-6 था, लेकिन उसको फिर से चेंज करके स्थगित करके 7-9-11 किया गया है। तो आज 3 सैरात के लिए बंदोबस्तधारी या डाक बक्का उपस्थित हुए, बस पड़ाव में उपस्थित हुए, सार्वजनिक शौचालय 33 माइल में उपस्थित हुए, विज्ञापन होर्डिंग में उपस्थित हुए। बस स्टैंड में 2 डाक बक्ता थे, अंगद कुमार यादव और अरविंद कुमार यादव, जिसमें अंगद कुमार यादव के द्वारा सबसे ज़्यादा बोली लगाया गया है 37,08,000 रुपये का। 37,08,000 रुपये अंगद कुमार यादव के द्वारा लगाया गया सबसे ज़्यादा बोली। तो सशक्त स्थायी समिति के द्वारा अंगद कुमार यादव को बस पड़ाव का बंदोबस्त करने का सब निर्णय लिया गया है। विज्ञापन होर्डिंग में 3 डाक बक्ता थे, मोहम्मद तस्लीम, विनायक कुमार सिंह, विकास कुमार मंडल, जिसमें विनायक कुमार सिंह का बोली सबसे अधिक था 73,000 रुपये। तो विनायक कुमार सिंह को इस सैरात का बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक शौचालय 33 माइल में 2 डाक बक्ता थे, विकास कुमार मंडल और रंजीत कुमार। विकास कुमार मंडल के द्वारा सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई है 24,000। तो विकास कुमार मंडल को सार्वजनिक शौचालय 33 माइल का बंदोबस्त करने का निर्णय लिया गया। 3 जो बचा हुआ है, जिसके एक भी लोग अपना पेपर जमा नहीं किया गया था, इसका अनुवर्ती तिथि 9 या अगर 9 को भी नहीं होता है तो 11 तारीख को, उसके बाद भी नहीं होता है तो प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को लोग उपस्थित होते हैं, तो उनको बोली लगा करके आवंटित किया जाएगा।